तो गुरु ये है बड़ा दोस्त और देख सकते हैं भाई 150 कैरेट लाद के आया। मतलब यार मतलब क्या बोले, ये 150 नहीं लेके जाती है, 100 कैरेट की इसकी कैपेसिटी है। मतलब महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु बहुत दिन से सब बोल रहे थे ना अशोक लीलैंड बड़ा दोस्त का वीडियो बनाओ, तो बड़ा दोस्त ये रहा आज हमारे पास। मतलब ऐसे क्या है कि हम लोग को गाड़ी मिलती नहीं है जल्दी, जब मिल जाती है तो वीडियो बनाते हैं। भाई ये जो है रायपुर से आया है यहाँ पे अंबिकापुर मंडी में, और रायपुर से अंबिकापुर मंडी की दूरी जो है वो 350 किलोमीटर है, और 350 किलोमीटर से इसने जो है 150 कैरेट लेके आया। 150 कैरेट हम लोग लेके नहीं जा पाते हैं, बोलेरो 1.30 नहीं लेके जा पाती है 150 कैरेट मतलब सॉरी। तो 150 कैरेट ये लेके आया हुआ है, और 150 कैरेट मतलब बहुत हो जाता है, अगर जोड़ा जाए तो 35 क्विंटल के आसपास माल। और जो है कि ये लेके आया भाई उतने दूर से 150, और इसका पूरा अंदर का बाहर का सब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है क्या है, क्योंकि मतलब सब लोगों ने बोला था इसका रिव्यू करो, तो इसका रिव्यू, इंजन और कितना टॉर्क क्या पावर सब बता देंगे, क्योंकि सब देखना पड़ता है सब वो सब। तो कितना पासिंग है, कितना ग्रॉस वेट है सब, तो स्टार्ट करते हैं इसको सब चारों तरफ से फिर दिखाते हैं आप। तो गुरु ये है बड़ा दोस्त और देख सकते हैं भाई 150 कैरेट लाद के आया। मतलब यार मतलब क्या बोले, ये 150 नहीं लेके जाती है, 100 कैरेट की इसकी कैपेसिटी है। मतलब और लेके भी आ रहा है कहाँ से पता है, रायपुर से। मैं शॉक हो गया, टायर कितने इंच का है इसमें, 114 109 7 8 15 15 इंच का ही टायर है, जितना हम लोग में लगता है उतना ही है। और इसका फ्यूल टैंक जो है वो 50 लीटर का है, 15 इंच का टायर है, ऊपर देख सकते हैं 150 कैरेट लोड किया हुआ। गाड़ी पे नंबर है तो कोई फ़ोन न कर देना भाई, क्योंकि दूसरे की गाड़ी है, हमसे वीडियो बना रहे हैं। ओवरऑल देख सकते हैं कितना कैरेट लोड किया है, मतलब महाराज 150 कैरेट में शौक हो गया कि 150 कैरेट बड़ा दोस्त भाई, और लॉन्ग रूट भी, वो भी सोचो 350 किलोमीटर से लेके आया है। तो चलिए ये देखिए, नीचे इसका इंजन है और ये गियर बॉक्स है, इसका इंजन विंजन जो है सब वही है। फ्यूल टैंक तो आपको बता ही दिया, तो आपको इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर का जो है वो पूरा सब आपको दिखाएंगे। पहले ये आगे से देख लीजिए, आगे से इसका लुक क्या दिखता है मालिक, ब्लू कलर भाई, मतलब ज़बरदस्त यार, क्या बोला जाए। मतलब ये इसके जो है वो ड्राइवर हैं, तो ये अब इसके अंदर पहले चलेंगे। इधर से इसने स्टिकर लगाया है मस्त, वो ठीक लग रहा है और देख सकते हैं पूरा। तो क्या बोलते हैं कि गाड़ी तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी देख के, क्योंकि एक दिन और खड़ी थी तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, पर आज ना भाई मतलब क्या बोला जाए। तो जो है यही है, बाकी इसका जो भी चीज़ है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, क्योंकि अभी तो बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए गाड़ी देखने में कितनी छोटी लगती है, छोटी नहीं वैसे लंबी है, पर जो भी है इसका। तो इसके अंदर चलते हैं, आपको अंदर का पूरा दिखाएंगे कि पूरा अंदर का क्या सीन है। ये है सीट, सीट से शुरू करते हैं। सीट देखिए एकदम प्रोफेशनली मस्त कार जैसा सीट दिया है, और 3 सीट दिया है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, इसमें मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं है, जो भी है ओरिजिनल है। और ये है मतलब पार्किंग लाइट था, और ये उसका पूरा आगे का इंटीरियर है जो भी है, उसने ग्लास पे बड़ा मस्त वो लगाया हुआ है। ये उसका डिग्गी है जो कि लॉक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये गियर है, जितना अपने में है उतना इसमें भी है, 5 और एक रिवर्स, और ज़्यादा कुछ है नहीं। नीचे वो चार्जर 12 वाट का चार्ज इनबिल्ट दिया है इसमें भी, और उसके बाद जो है वो सब चीज़ें हैं, म्यूज़िक सिस्टम लगी हुई है, ऊपर पार्किंग लाइट है वो आपको बताया ही। तो कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं भाई, मतलब मंडी में ना क्या बताया जाए। और ये दरवाज़ा है लेफ्ट साइड का देख सकते हैं, और कंफर्टेबल है, और इसके अंदर जगह जो है स्पेस है वो बहुत अच्छी स्पेस है। और उसके बाद जो है इंटीरियर पूरा, ये स्टीयरिंग है, आपको मीटर दिखा देते हैं चाबी चालू करके, मीटर देख लीजिए पूरा, किलोमीटर फ्यूल का जो सेम सिस्टम दिख रहा है, पर इसका थोड़ा सा राउंड में बनाया है। गाड़ी कितने हज़ार किलोमीटर चली है आप देख सकते हैं, 52,836 किलोमीटर चली है, BS6 है, और माफ़ करिएगा थोड़ा सा, ये हैंड ब्रेक है इसका। और ये इधर पीछे से जो है सीट का है, और आपको दिखा देता हूँ, इधर से सीट आगे पीछे होता है, और उसके बाद नीचे ये जो है नीचे से सीट आगे पीछे होता है जिसपे बैठे हैं, और वो जो है वो लोगो है। बाकी का इंटीरियर तो आप देख ही लिए। हाँ, इंटीरियर के बाद ये ऊपर देख सकते हैं, ये बैक ग्लास, और इसमें उसका कुछ रखा हुआ था वो गिर गया भाई, आई एम सॉरी ब्रो, क्योंकि ध्यान नहीं दिया इसलिए गिर गया। और ग्लास पे ये बड़ा मस्त चीज़ लगाया हुआ है भाई, मतलब फ्रंट ग्लास पे इसने, और नीचे का स्पेस देख सकते हैं, वो ब्रश रखा हुआ है उसने उसके लिए। अब चाबी इसका कर देते हैं बंद, वो ब्रश था साफ़ सफाई करने के लिए, और
सब तो जो है यही है। आप इंटीरियर विंटीरियर अब आपको दिखाई दिया, ये गेट दरवाज़ा जो भी है बॉटल रखने का, और सब तो बड़ा एक हिसाब से मेरे को बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। क्योंकि क्या है ना कि ये देखिए, मतलब ग्लास उतारने के लिए है और वो दरवाज़ा खोलने के लिए, ये पकड़ के खींचने के लिए है। क्योंकि इसके अंदर की जो स्पेस है वो बहुत पसंद है, इसका सीट जो है वो बहुत हैवी और अच्छा सीट दिया हुआ है, और बाकी कुछ है नहीं। तो बाकी आगे आपको दिखाते हैं। इस गाड़ी का आगे से पूरा लुक ये है और देख सकते हैं। ओवरऑल ये बल्टी डब्बा सब धोने वोने के लिए लोग रखते हैं। पीछे से ये है, इसका चेचिस दिखाता हूँ आपको। चेचिस देख सकते हैं, बोलेरो से थोड़ी चौड़ी है पर सीधी है, एकदम स्ट्रेट चेचिस है इसका। पट्टा देख सकते हैं, आगे तीन है और पीछे जो है बोलेरो से कम पट्टा लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं लगा है, बोलेरो से कम ही है। तो देख सकते हैं जो है यही है। तो गुरु, गाड़ी का जो है इंटीरियर आपको दिखा दिया। ये दोनों जो है इस गाड़ी के ड्राइवर हैं और इन्होंने जो है रायपुर से यहाँ पे लेके आया था। तो आपको वज़न बता दिया, 35 कुंटल लेके जाती, मतलब बहुत वज़न होता है यार, 35 कुंटल बहुत होता है। क्योंकि 35 कुंटल लेके तो हम लोग की भी चली जाती है, पर कैरेट 150 इसमें लाना, ये इसकी हाइट भी नहीं हुई है, और इतने में ही जो है वो इसका पूरा हो गया। और टायर है 15 इंच का ही, 15 इंच का टायर हम लोग की गाड़ी में भी लगता है, बहुत ज़्यादा हम लोग की गाड़ी में लगता नहीं है। पर हम लोग का क्या है, थोड़ा सा टायर दबता है, इसमें अपोलो का टायर लगाया हुआ है। और उसके बाद इसकी चेचिस जो है हम लोग के इतना ही है। इसका इंजन विंजन जो है वो आपको बता देता हूँ, 1400 cc की इंजन है। और तो गुरु, इसका जो है वो 1400 cc का इंजन है और 50 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। हम लोगों का 60 लीटर का है, 1.3T का। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, 4 टायर है इसमें भी। हाँ, वही सेम, मतलब 15 इंच के इसमें भी टायर लगे हुए हैं। और उसके बाद पेलोड इसका जो है 18 कुंटल पासिंग है भाई, मतलब बहुत होता है। इसका पावर 80 HP का है और पूरा ग्रॉस वेट 34 कुंटल के आसपास दिया है, पर 35 कुंटल तो ये माल लेके आया हुआ है, क्या कह सकते हैं। बाकी आपको इंटीरियर इंटीरियर दिखाया ही, सारा फीचर अब जो है यही है। इसकी प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस जो है इसका वो है तकरीबन 9 से 9.5 लाख के आसपास, ऑन रोड जो है वो पिकअप की इतनी ही इसकी रेट है। और उतने दूर से इतना मंडी भी कर दिया, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बड़ा दोस्त यार, बहुत मस्त गाड़ी है, मेरे हिसाब से तो अच्छी गाड़ी है। बाकी पता नहीं क्या है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। उसके बाद जो है इसका चेचिस भी अपनी तरह है, एकदम सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम इन द सेंस कि मतलब हम लोग का टेढ़ा है, इसका सीधा हुआ चेचिस है गाड़ी पर, मेरे को जिस हिसाब से बताया बहुत है। और इसके बात करते हैं इसके माइलेज की, तो माइलेज जो है इसका 15 का एवरेज देता है भाई, लोडिंग गाड़ी है, ड्राइवर बता रहा था, तो 15 का एवरेज दे रही है, तो बहुत एवरेज है भाई, मतलब बड़ा दोस्त है फिर। क्योंकि 35 कुंटल पासिंग, 15 का एवरेज, 15 इंच टायर और सब कुछ पिकअप के जैसा ही, और कम प्राइस उतने ही रेट में मिल जा रही है, तो क्या चाहिए आपको। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइलेज, हम लोग का जो है माइलेज वो भी उतना ही देता है। देखो 14-15 की एवरेज देती है। अब ये सब गाड़ियों की रीसेल वैल्यू क्या है, ये इस पर हम लोग बात नहीं करते हैं। रीसेल वैल्यू क्या है इन लोगों का, इनकी फ्यूचर क्या है वो पता नहीं है। क्योंकि महिंद्रा अपनी रीसेल वैल्यू के लिए माना जाता है और पार्ट्स के लिए माना जाता है, क्योंकि उसके पार्ट्स जो है बहुत सस्ते हैं। इसके पार्ट्स का अपने को पता नहीं है कि इसका पार्ट्स कितने में आता है, कैसे आता है, इसके पार्ट्स का कुछ अपना नहीं है, तो इसके पार्ट्स का अपने को पता नहीं है कि क्या सस्ता है, महंगा है। अशोक लीलैंड दोस्त भाई, अपने को गाड़ी मिली, अपन रिव्यू कर दिए, इतना कर सकते हैं, बाकी कुछ का पता नहीं है इसमें। महिंद्रा का क्या है, पार्ट्स आपको बताया था, किसी दुकान पर कहीं पर भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर, बस यही था इस गाड़ी का सब कुछ। अब आपको अच्छा लगे, सही लगे, आप देख लीजिए कि बड़ा दोस्त क्या है। क्योंकि इतना लोडिंग लेके मंडी देना मेरे लिए बहुत वो हो गया कि बहुत है। तो खैर, बस यही था जो था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट कौन सी गाड़ी पे चाहिए ये भी बताना, गाड़ी मिलेगी तुरंत वीडियो बनाएंगे। तो बस इस वीडियो को ही एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी ही वीडियो पहुँचती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। और आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।